Assalamualaikum बच्चों, आज हम क्लास 5 के मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 1 नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी आदाद और हसाबी अवामिल के बारे में पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यानी जरब और तकसीम। सबसे पहले हम इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स अप टू 6 डिजिट बाय 10, 100 एंड 1000 यानी 6 हिंसी आदाद तक की 10, 100 और 1000 से ज़रब के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। वी कैन सिंपली प्लेस एज मेनी जीरोस ऑन द राइट ऑफ द प्रोडक्ट एज देयर इन द मल्टीप्लायर। हम सिर्फ हासिल ज़रब के दाएं तरफ इतने सिफर लगा सकते हैं जितने सिफर ज़रब दहिंदा यानी ज़रब देने वाले आदाद में होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर दैट इज 2, 1, 4, 4, 5, 5 by 10, 100 and 1000 is illustrated as under. 2, 1, 4, 4, 5, 5 into 10 is equal to 2, 1, 4, 4, 5, 5, 0. 2, 1, 4, 4, 5, 5 into 100 is equal to 2, 1, 4, 4, 5, 5, 0, 0. 2, 1, 4, 4, 5, 5 into 1000 is equal to 2, 1, 4, 4, 5, 5, 0, 0, 0. ये आदाद 2, 1, 4, 4, 5, 5 की 10, 100, 1000 से हासिल ज़रब की वजाहत दिखाई गई है। स्टूडेंट्स, अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स अप टू 6 डिजिट बाय 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स यानी 6 हिंसी आदाद तक की 2 हिंसी और 3 हिंसी आदाद से ज़रब को समझते हैं। और इसको समझने के लिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई 254268 बाय 45। 254268 को 45 से ज़रब दें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम बड़ी वैल्यू यानी 254268 को लिखते हैं और इसके नीचे 45 जो हमारी छोटी वैल्यू है उसको लिखेंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई यानी ज़रब करते हैं। इसको भी हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करने से 40 हासिल होगा, तो हम 0 को यहाँ पर लिखेंगे और 4 नेक्स्ट डिजिट 6 पर कैरी आ जाएगा। अब हम 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हासिल होगा, तो इसमें कैरी लिया गया 4 ऐड करने से हमें 34 हासिल होगा, तो हम 4 को यहाँ पर लिख लेंगे और 3 नेक्स्ट डिजिट 2 पर कैरी आ जाएगा। अब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 हासिल होगा और कैरी लिया गया 3 ऐड करने से 13 हासिल होगा, तो हम 3 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 नेक्स्ट डिजिट 4 पर कैरी चला जाएगा। अब हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हासिल होगा और इसमें कैरी लिया गया 1 ऐड करने से 21 हासिल होगा, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे और 2 नेक्स्ट डिजिट 5 पर कैरी चला जाएगा। अब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हासिल होगा और कैरी लिया गया 2 ऐड करने से 27 हासिल हो जाएगा, तो हम 7 को यहाँ पर लिखेंगे और 2 नेक्स्ट डिजिट 2 पर कैरी चला जाएगा। अब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 हासिल होगा और कैरी लिए गए 2 को 10 में ऐड करने से 12 हासिल हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम इसी तरह से 4 को भी तमाम डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 0 आ जाएगा क्योंकि हमने 5 के साथ तमाम डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हासिल होगा, तो हम 2 को यहाँ पर लिखेंगे और 3 नेक्स्ट डिजिट 6 पर कैरी आ जाएगा। अब हम 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हासिल होगा और कैरी लिया गया 3 ऐड करने से 27 हासिल होगा, तो हम 7 को यहाँ पर लिखेंगे और 2 नेक्स्ट डिजिट 2 पर कैरी चला जाएगा। अब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हासिल होगा और कैरी लिया गया 2 ऐड करने से हमें 10 हासिल हो जाएगा, तो हम 0 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 को नेक्स्ट डिजिट 4 पर कैरी ले जाएंगे। अब हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हासिल होगा और कैरी लिया गया 1 ऐड करने से 17 हासिल हो जाएगा, तो हम 7 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 नेक्स्ट डिजिट 5 पर कैरी आ जाएगा। अब हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हासिल होगा और कैरी लिया गया 1 ऐड करने से 21 हासिल हो जाएगा, तो हम 1 को यहाँ पर लिखेंगे और 2 नेक्स्ट डिजिट 2 पर कैरी आ जाएगा। अब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हासिल होगा
और कैरी लिया गया 2 ऐड करने से हमें 10 हासिल हो जाएगा। अब हम इन दोनों वैल्यूज को पिछले लेक्चर में बताए गए एडिशन के मेथड से ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर 1144206 हासिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई 154205 बाय 241। 154205 को 241 से ज़रब दें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम पहले बड़ी वैल्यू यानी 154205 को लिखते हैं और इसके नीचे हमारी छोटी वैल्यू यानी 241 को लिखेंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई यानी ज़रब करते हैं। इसको भी हम राइट साइड से ही स्टार्ट करेंगे। 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से 5 ही हासिल होगा। अब हम 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हासिल होगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से हमें 2 ही हासिल हो जाएगा। अब हम 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हासिल होगा और फिर 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें 5 हासिल होगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से हमें 1 ही हासिल होगा। अब हम 4 को तमाम डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा क्योंकि 1 को तमाम डिजिट से मल्टीप्लाई कर लिया है। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें 20 हासिल होगा तो हम 0 को यहाँ पर लिखेंगे और 2 नेक्स्ट डिजिट 0 पर कैरी आ जाएगा। अब हम 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हासिल होगा तो इसमें कैरी लिया गया 2 ऐड करने से हमें 2 हासिल होगा। अब हम 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हासिल होगा। अब हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 16 हासिल होगा तो हम 6 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 नेक्स्ट डिजिट 5 पर कैरी चला जाएगा। अब हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हासिल होगा और इस पर कैरी लिया गया 1 ऐड करने से 21 हासिल होगा तो हम 1 को यहाँ पर लिखेंगे और 2 नेक्स्ट डिजिट 1 पर कैरी चला जाएगा। अब हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हासिल होगा और कैरी लिया गया 2 ऐड करने से 6 हासिल हो जाएगा। अब हम इसी तरह से 2 को तमाम डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर भी 0 आ जाएगा क्योंकि हमने 1 और 4 के तमाम डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हासिल होगा और 0 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 नेक्स्ट डिजिट 0 पर कैरी आ जाएगा। अब हम 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हासिल होगा और कैरी लिया गया 1 ऐड करने से हमें 1 हासिल हो जाएगा। अब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हासिल होगा। अब हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हासिल होगा। अब हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हासिल होगा तो हम 0 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 नेक्स्ट डिजिट 1 पर कैरी आ जाएगा। अब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हासिल होगा और कैरी लिया गया 1 ऐड करने से हमारे पास 3 हासिल हो जाएगा। अब हम इन तीनों वैल्यूज को पिछले लेक्चर में बताए गए एडिशन के मेथड से ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर 371-163-405 हासिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड एक एक्टिविटी देखते हैं। Thank you.
स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, यूज मिक्स्ड ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम के मखलूत अवामिल का इस्तेमाल। पहले हम मिक्स्ड ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी जमा और तफरीक के मखलूत अवामिल के बारे में समझते हैं। इन मिक्स्ड ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी ऑलवेज डू एडिशन फर्स्ट एंड देन सब्ट्रैक्शन, यानी जमा और तफरीक के मखलूत अवामिल में हम हमेशा जमा के अमल को पहले और तफरीक के अमल को बाद में करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 78 प्लस 20 माइनस 43। अब हम यहाँ पर पहले एडिशन करेंगे तो 78 और 20 को ऐड करने से हमें 98 हासिल होगा और माइनस का साइन और 43 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब हम 98 में से 43 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 55 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 89 माइनस 50 प्लस 27। पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे या तरतीब देंगे। अब ये 89 प्लस 27 माइनस 50 बन जाएगा। अब यहाँ पर भी पहले एडिशन करेंगे तो 89 और 27 को ऐड करने से हमें 116 हासिल हो जाएगा और माइनस का साइन और 50 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब हम 116 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 66 आंसर आ जाएगा। अब हम मिक्स्ड ऑपरेशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यानी ज़रब और तकसीम के मखलूत अवामिल को समझते हैं। इन मिक्स्ड ऑपरेशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑलवेज टेक डिवीजन फर्स्ट एंड देन मल्टीप्लिकेशन, यानी ज़रब और तकसीम के मखलूत अवामिल में हमेशा पहले तकसीम और बाद में ज़रब के अमल को करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 75 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 8। अब यहाँ पर हम पहले 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 हासिल होगा और मल्टीप्लाई और 8 का साइन ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब हम 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 आंसर हासिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 25 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर भी हम सबसे पहले डिवीजन करेंगे तो 25 और मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही नीचे आ जाएंगे और 15 को 3 से डिवाइड करने से हमें 5 हासिल हो जाएगा। अब हम 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 125 आंसर हासिल हो जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।